श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के बाद की राजनीति कैसे होगी, उसकी झलक दो घटनाओं से मिलती है। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अयोध्या पहुंचकर कहा, भले ही जन्मभूमि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो फैसला भी नहीं आता और मंदिर भी नहीं बन पाता। यही वो बात है जो देश का हर हिंदू मानता है और यही वो बात है जिसे आचार्य प्रमोद की कांग्रेस पार्टी नकारती है। इसी तरह जेडीयू के प्रवक्ता डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने इस बात से नाराज होकर पार्टी छोड़ दी। न्योता मिलने के बाद भी नीतीश कुमार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। विपक्षी दल ऐसा समझते हैं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, इसलिए कांग्रेस, वामपंथी दलों और राष्ट्रीय जनता दल ने मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संघ और भाजपा का कार्यक्रम बताकर उसका बॉयकॉट किया। बॉयकॉट उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, नीतीश कुमार ने भी किया, लेकिन चारों ने बॉयकॉट का ऐलान नहीं किया, बल्कि इन सभी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद सपरिवार दर्शन के लिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने अलग रास्ता अपनाया, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक बताकर बंगाल के मंदिरों में भ्रमण कर कार्यक्रम बना लिया। वो अच्छी तरह जानती हैं कि बंगाल में हिंदुत्व अपने उभार पर है और इसी हिंदुत्व के उभार के कारण भाजपा 2019 में लोकसभा की 18 सीटें जीत गई थी। इसलिए ममता बनर्जी ने हिंदू धर्म में अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण किया। वैसे कांग्रेस की तरह विपक्ष के अन्य सभी दल भी मानते हैं श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, लेकिन अधिकांश नेताओं ने विरोध का रिस्क नहीं लिया। उद्धव ठाकरे के सिपह सलाहकार संजय राउत ने यह भ्रम फैलाने की कोशिश की है कि मंदिर वहां बना ही नहीं जिसके लिए 500 साल संघर्ष हुआ, जबकि सब जानते हैं कि मंदिर वहीं बना है। योगी आदित्यनाथ ने प्राण प्रतिष्ठा के बाद दिए भाषण में कहा, हमने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहीं बना है। विपक्षी दलों में सबसे बड़ा मुश्किल में कांग्रेस खड़ी हुई है, उसे अपनी गलती का एहसास है, उसने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता अस्वीकार करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन बाकी दलों के नेताओं की तरह यह नहीं कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेता प्राण प्रतिष्ठा के बाद किसी दिन राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करेंगे। ऐसा कह दिया होता तो राहुल गांधी की यात्रा को प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं माना जाता। धारणा यह बनी है कि प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट करके वो अपनी न्याय यात्रा पर निकल गए, सारी कांग्रेस उनकी यात्रा को सफल बनाने में लग गई। कांग्रेस के भीतर धारणा यह बनी है कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बॉयकॉट करना है। कांग्रेस को अपनी गलती का एहसास राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के बाद हुआ, इसलिए 14 जनवरी को यह कार्यक्रम बनाया गया। राहुल गांधी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय यात्रा मार्ग में पड़ने वाले श्रीमंत शंकर देव की जन्मस्थली में दर्शन करने जाएंगे। श्रीमंत शंकरदेव 15वीं शताब्दी के समाज सुधारण वैष्णव मत के प्रचारक संत थे। राहुल गांधी के सलाहकार जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने यह प्रोग्राम इसलिए बनाया था ताकि लोग यह न कहें कि राहुल गांधी नौगांव से गुजर रहे थे, लेकिन असम के अत्याधिक सम्मानित वैष्णव मत के प्रवर्तक और समाज सुधारक शंकरदेव के जन्मस्थल पर नहीं गए। श्रीमंत शंकरदेव जन्मस्थल मंदिर की मैनेजिंग कमेटी ने 21 जनवरी को राहुल गांधी को सूचित कर दिया था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कारण सुबह वहां 10,000 से ज़्यादा लोग जमा होंगे, इसलिए वो 3 बजे के बाद आए। इस पर राहुल गांधी आग बबूला होकर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी और जयराम रमेश को इसमें भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की साजिश नजर आने लगी। उन्होंने कहा कि हमें मंदिर से न्योता मिला था, लेकिन पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही, जबकि यह बिल्कुल गलत है। मंदिर ने उन्हें कोई न्योता नहीं दिया। प्राण प्रतिष्ठा के बॉयकॉट से हुए नुकसान की भरपाई के लिए वो ठीक उसी समय मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा, आज शायद एक ही व्यक्ति को मंदिर जाने की इजाज़त है। उनका इशारा राम जन्मभूमि मंदिर के उस समय प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे नरेंद्र मोदी की तरफ था, जहां देश के हजारों गणमान्य व्यक्ति मंदिर दर्शन करने पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के मौजूदा अपरिपक्व नेतृत्व के गलत फैसले के कारण कांग्रेस की स्थिति पैदा हुई कि उन्हें प्राण प्रतिष्ठा के बॉयकॉट की भरपाई के लिए रास्ते का मंदिर ढूंढना पड़ा। जैसे देश भर से हर क्षेत्र के गणमान्य लोग प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में पहुंचे, उसका चुनावों पर असर पड़ने की पूरी संभावना है, जिसका सर्वाधिक असर भाजपा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र में पड़ेगा।